बीजेपी के तेज तर्रार नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार का स्टैंड का खुलासा किया है। सिंह ने कहा कि किसानों से बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर कुछ लोग किसानों को भटकाने का काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि आंदोलन में कहीं खालिस्तान का पोस्टर तो कहीं शर्जील इमाम का पोस्टर लग रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जो किसान आंदोलन है वो किसानों के हित की बात कम कर रहा है, किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार का दरवाजा खुला हुआ है, सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, आमंत्रण के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, आमंत्रण के सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। मीडिया में ही देखता हूं खालिस्तान का पोस्टर तो कोई और शर्जील इमाम का जो आप कह रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये भटकाने का है किसानों के नाम पर। किसान आंदोलन को किसान के लिए जो भारत सरकार कर रहा है उस नीति को भटकाने का काम कर रहा है। जो लोग भटका रहे हैं उसका चेहरा तो मीडिया ने बेनकाब कर दिया है कि कौन लोग भटका रहे हैं। कोई मैं नहीं कहा, मीडिया ने ही दिखाया खालिस्तान का बोर्ड लग रहा है ट्रैक्टर पर, मीडिया ने ही दिखाया कि फलना इमाम का फोटो लग रहा है, मीडिया ने ही दिखाया ये खास नीति और निर्धारण करने वाले लोगों का है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भरोसा दिलाया कि एमएसपी और जिला मंडी खत्म नहीं किया जाएगा। सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन देश का आंतरिक मुद्दा है लेकिन कनाडा भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी ताकत इसमें अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। तो किसान को आमंत्रित कर रहा हूं, किसान आए अपनी बात कहे, एमएसपी नहीं खत्म होगा, ये एक एक चिल्ला मंडी नहीं खत्म होगा, लेकिन किसान जो अपना उपज देश में लाभकारी मूल्य पर कहीं भी बेचना चाहता है उसे अधिकार देने का प्रावधान। यही दुर्भाग्य है, भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति की है और देश के तमाम उन नेताओं से कहना चाहता हूं ये देश का आंतरिक मामला है और जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि आखिर कनाडा क्यों, इसमें विदेशी ताकत क्यों घुस रहा है। राहुल गांधी से पूछिए कि आपकी जुबान उस पर बंद क्यों है, विपक्ष के लोगों से पूछिए कि आपकी जुबान क्यों बंद है। ये देश दुनिया में पहला देश है जो देश की बात विपक्ष कम करता हो, दूसरे की बात ज्यादा करता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इतना बौखलाहट में अपने विरोधियों की हत्या, अपने विरोधियों पर प्रहार, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफला पर प्रहार, इससे साफ साबित हो रहा है कि ममता बनर्जी जितने पत्थर फेंक रहे हैं उन पत्थरों का टीएमसी का स्मारक बनेगा नड्डा के ऊपर फेंके गए पत्थर से, अगले चुनाव में टीएमसी का स्मारक बनेगा। ममता बनर्जी ये बताएं कि अब तक 200 प्रतिनिधि राजनीतिक दलों की हत्या किसने कराई, हत्या करके पेड़ पर लटकाने का काम। मैं जब बोलता हूं कि ये एक डिक्टेटर के रूप में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट किंग जोंग की तरह भूमिका निभा रही हैं कि कोई उनका विरोध करे उसकी हत्या कर दो, कोई प्रदर्शन करे उसकी हत्या कर दो, लेकिन लोकतंत्र में हत्या का कहीं स्थान नहीं है। जब चुनाव होगा तो ईवीएम पर बटन ममता को हटाने के लिए होगा, उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
किसान आंदोलन अभी जारी है। किसान आंदोलन से जुड़े संगठन के नेता और केंद्र सरकार के बीच कोई सुलह का फार्मूला अभी तय नहीं हो पाया है। उम्मीद तो यही है कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच जल्द ही कोई सुलह का फार्मूला तय हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।